प्रभु श्री राम अपने वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे तो बड़ी धूमधाम से उनका राजतिलक हुआ। बड़ी ही आदर व सम्मान के साथ उन्हें अयोध्या का राजा बनाया गया। राजा की गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने लक्ष्मण जी को एक आदेश दे रखा था कि हमेशा भोजन करने से पहले ये देखना है कि हमारे द्वार पर कोई भूखा तो नहीं है। एक दिन की बात है, लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, मैं अभी आवाज लगाकर आया हूँ, कोई भी भूखा नहीं है। प्रभु श्री राम ने कहा, दोबारा जाओ और जोर से आवाज लगाओ, शायद कोई भूखा रह गया हो। प्रभु श्री राम के आदेश पालन करते हुए लक्ष्मण जी दोबारा बाहर गए और उन्होंने जोर से आवाज लगाई तो कोई आदमी तो नहीं था, वरन एक कुत्ते को लक्ष्मण जी ने रोते हुए देखा और अंदर आकर उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा, बाहर कोई व्यक्ति तो भूखा नहीं है बल्कि एक कुत्ता अवश्य रो रहा है। प्रभु श्री राम ने उस कुत्ते को अंदर बुलाया और कुत्ते से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? तब उस कुत्ते ने कहा, प्रभु एक ब्राह्मण ने मुझे डंडा मारा है। फिर प्रभु श्री राम ने उस ब्राह्मण को बुलवाया और उससे पूछा, क्या ये कुत्ता सही बोल रहा है? उस ब्राह्मण ने कहा, हाँ प्रभु, ये कुत्ता मेरे रास्ते में सो रहा था इसलिए मैंने इसे डंडा मारा है। ये कुत्ते रास्ते में जहाँ तहाँ लेट जाते हैं, इसीलिए इन्हें डंडे से ही मारना चाहिए। तब प्रभु श्री राम समझ गए कि यहाँ पर ब्राह्मण की ही गलती है, परंतु ब्राह्मण को क्या कहें, सो उन्होंने कुत्ते को ही पूछा, बताओ इस ब्राह्मण ने तुम्हें डंडा मारा तो अब तुम क्या चाहते हो? तब उस कुत्ते ने कहा, प्रभु इसे मठाधीश बना दिया जाए। कुत्ते की बात सुनकर प्रभु श्री राम मुस्करा दिए और मुस्कराते हुए कुत्ते से पूछा कि इस ब्राह्मण ने तुम्हें डंडा मारा, बदले में तुम इसे मठाधीश बनाना चाहते हो? तब कुत्ते ने कहा कि प्रभु, इनके मठाधीश बनने से इनकी बहुत सेवा होगी और इनके काफी चेले भी बन जाएंगे, पर इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? तब कुत्ता बोला, मैं भी जब मठाधीश था मुझसे भी कुछ गलत काम हुए थे और आज मैं कुत्ते की योनि में हूँ और लोगों के डंडे खा रहा हूँ। ये भी मठाधीश बनेगा, फिर कुत्ते की योनि में जाएगा, फिर लोगों के डंडे खाएगा, तो इसकी सजा पूरी हो जाएगी। बोलो प्रभु श्री राम जी की जय। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया कर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।